हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 7.3 के 9 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो चलिए हम 10th क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। 7.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक, चैप्टर इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड The letters of the word Mississippi. In how many ways the letters of the word Mississippi be arranged so that four eyes. डू नॉट कम टूगेदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन पहले किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, समझेंगे हम। तो बच्चों, एक वर्ड है मिसिसिपी, इसे कैसे रीड करना है? मिसिसिपी, MISSISIPPI। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी बी अरेंज सो दैट फोर आईज डू नॉट कम टूगेदर। तो मिसिसिपी के लेटर्स को आपने शफलिंग करनी है, उसकी अरेंजमेंट बनानी है, पर कंडीशन है कि जो चार आई है, देखिए 1, 2, 3, 4, देयर आर फोर आईज प्रेजेंट इन दिस वर्ड। क्वेश्चन है कि आपने अरेंजमेंट करते हुए ध्यान रखना है कि ये आई जो है इकट्ठे नहीं आने चाहिए, लाइक ऐसे। तो ये कितनी सारी अरेंजमेंट बनती जाएगी, इनको शफलिंग करेंगे, अरेंज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी अरेंजमेंट भी आएगी, ऐसे। फिर ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे बहुत सारी अरेंजमेंट्स हैं MP ऐसे, जिसमें चार आई जो हैं इकट्ठे आ रहे हैं। हमें हर अरेंजमेंट में ये ध्यान रखना है कि चार आई इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो ये टास्क काफी मुश्किल टास्क है कि ध्यान में रखना है कि ये चार आई कभी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो हम एक मेथड फॉलो करेंगे कि टोटल अरेंजमेंट हम तैयार कर लेंगे मिसिसिपी वर्ड की, जिसमें कोई ध्यान में नहीं रखेंगे कि आई आ रहा है इकट्ठा या नहीं आ रहा, फाइन। तो टोटल अरेंजमेंट कौन सी अरेंजमेंट है जिसमें हर तरह से ये लेटर अरेंज हो रहे हैं। फिर हम दूसरा काम करेंगे, कुछ वैसे अरेंजमेंट करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स तैयार करेंगे जिसमें चार आई इकट्ठे आने। तो एक अरेंजमेंट हम एक कॉम्बिनेशन एक अरेंजमेंट ऐसी तैयार करेंगे जिसमें कोई भी कंडीशन ना हो, जैसे मर्जी लेटर्स आपस में शफल हो, आई इकट्ठे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, टोटल अरेंजमेंट तैयार करेंगे मिसिसिपी की। और दूसरा काम क्या है, हम वो अरेंजमेंट तैयार करेंगे जिसमें चार आई इकट्ठे आ रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह की अरेंजमेंट हो जाएगी। तो टोटल अरेंजमेंट में से वो अरेंजमेंट बाहर निकाल देंगे जिसमें चार आई इकट्ठे आ रहे हैं। तो कौन सी बचेगी? जिसमें चार आई इकट्ठे नहीं आते। आई होप समझ आई क्वेश्चन की। तो टोटल, हाँ जी, अरेंजमेंट्स जब वेज जब परम्यूटेशन एक ही बात है, टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी MISSISIPPI। तो बच्चों याद करेंगे कि जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं लास्ट लेक्चर में, कभी हम इक्वेशन वर्ड की अरेंजमेंट बनाते हैं, कभी हमने मंडे वर्ड की अरेंजमेंट तैयार की, और सभी में एक चीज हमने देखी कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं करता। ई एक बार आ रहा है, क्यू एक बार आ रहा है, यू ए टी आई, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करता। तो सभी अरेंजमेंट्स जितने भी अभी तक तैयार की है, किसी भी अरेंजमेंट में कोई भी लेटर रिपीट नहीं करता। पर अब नेक्स्ट टाइप है जब किसी वर्ड की अरेंजमेंट करनी है और उसमें कुछ लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, लाइक एस चार बार आ रहा है, आई चार बार आ रहा है, पी दो बार आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो क्योंकि अगर हम अरेंजमेंट्स करेंगे, जैसे ये मिसिसिपी वर्ड है MISSISIPPI, तो बच्चों अगर मैं एक अरेंजमेंट ऐसे करूं, समझने वाली बात है, ये डबल एस और ये डबल एस, हाँ जी,
ये डबल एस यहां पे ले जो और ये डबल एस यहां पे ले जो, जब शफलिंग होगी तो ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ये डबल एस यहां पे आ गया, आई यहीं पे है, तो ये डबल एस यहां पे चल गया। तो बच्चों इससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब लेटर्स रिपीट करते हैं तो कुछ अरेंजमेंट्स ऐसी बन जाती है, कुछ वर्ड्स ऐसे बन जाते हैं जिसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रिपीट हो जाते हैं वर्ड्स। तो इसका मतलब वो हमें जो रिपीट कर रहे हैं वर्ड्स वो खत्म करनी पड़ेगी। वो खत्म करने के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल कितने लेटर्स है काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो जितने लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल ऊपर लिख दो, डिवाइड बाय। अब आई कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो जो लेटर जितनी बार रिपीट कर रहा है उसका फैक्टोरियल लिख दो। जैसे आई 4 बार आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल, एस 4 बार आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल, पी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, पी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों और कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा। ओके, समझ आया सबको? तो हमारा क्वेश्चन है मिसिसिपी वर्ड की टोटल अरेंजमेंट तैयार करो। तो जब भी किसी वर्ड में कुछ लेटर्स रिपीट करे उसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल कितने लेटर्स हैं वो ऊपर लिख दो उसका फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइड कैसे करना है, जो लेटर जितनी बार रिपीट कर रहा है, लाइक एस 4 बार कर रहा है, यहां लिख सकते हो एस रिपीट्स 4 टाइम्स, और कौन रिपीट कर रहा है, पी, पी कितनी बार रिपीट कर रहा है, पी रिपीट्स 2 टाइम्स, और कौन रिपीट कर रहा है, आई, आई कितनी बार है, आई रिपीट्स 4 टाइम्स। तो और कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच मिसिसिपी कैन बी अरेंज। तो टोटल अरेंजमेंट्स आ गई, इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं होगी इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो समझ आ गया सबको? तो ये है टोटल अरेंजमेंट्स। नाउ अब हमने वो अरेंजमेंट्स तैयार करनी है जिसमें आई जो है इकट्ठे आ रहे हैं। अगर आप देखें, नाउ व्हेन 4 आईज कम टुगेदर, तो वो सपोज करो जैसे मिसिसिपी है, एम ये वर्ड है, इसमें आपने 4 आई को इकट्ठे रख लो, डबल एस डबल एस डबल पी, सपोज कर लो ये अरेंजमेंट है जिसमें 4 आई इकट्ठे आ गए। ऐसे बहुत सारी अरेंजमेंट है जिसमें 4 आई इकट्ठे आ गए, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए शो कर दिया ऐसे। अगर आप चाहते हो कि हमें मिसिसिपी वर्ड की वो अरेंजमेंट्स बतानी है जिसमें 4 आई इकट्ठे ना है, तो टोटल अरेंजमेंट्स में से आप वो वाली अरेंजमेंट्स माइनस कर दो जिसमें 4 आई इकट्ठे आ रहे हैं। तो हम केस कौन सा कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि 4 आई इकट्ठा जब आ रहे हैं तो कितने वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अगर 4 आई इकट्ठे आ रहे हैं तो उनको एक सपोज कर लो, इनको इकट्ठा कर लो, मान लो कि रस्सी से बांध दिया मैंने इनको, मान लो कि इसको रस्सी से बांध दिया और एक मान लिया, अगर ये एक है तभी ये इकट्ठे आएंगे क्योंकि देखने में सेम है, इनको एक मान के मैंने इसको इकट्ठा कर लिया और सपोज कर लिया चारों एक ही है, इनको बांध दिया। तो बच्चों अब टोटल बेस है ना, व्हेन 4 आईज कम टुगेदर इन वर्ड मिसिसिपी, टोटल वेज द टोटल अरेंजमेंट्स कितनी है, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे जितनी अरेंजमेंट्स है, देखो फिर वही केस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसको तो एक बार है तो ये 8, क्योंकि इसको 1 मानना है, जब भी आपको इनको इकट्ठा रखना है तो इनको एक मानना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको 1 वर्ड मान लो, तो ये 4 लेटर्स को एक लेटर सपोज कर लो क्योंकि सेम है, तो ये फैक्टोरियल 8 हो गया। तो डिवाइड बाय कितना है, बोलो डिवाइड बाय, देखो अगर ये 1 है तो इसको अरेंज कर दीजिए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8, 8, और इसमें एस 4 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है, लेकिन अब ये जो कट्ठे हैं, ये कट्ठे जो है आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, अगर ये आपस में शफलिंग करें तो इनकी अरेंजमेंट कितनी है, ये 4 है, अगर वो आपस में अरेंज कर दे फिर भी वो आई रहेंगे, आई की तरह ही नजर आएंगे क्योंकि ये सेम है। तो बच्चों फैक्टोरियल 4 और रिपीट कितने कर रहे हैं, ये 4 बार आ रहा है, मैं एक बार फिर समझाता हूं, तो ये क्या
हैं, टोटल अरेंजमेंट जिसमें चार आई इकट्ठे आ रहे हैं, तो अगर ये चार आई इकट्ठे आ रहे हैं, इनको हमने एक माना है, इनको एक मान लिया, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 1 8। और नीचे क्यों आया? क्योंकि रिपीट कर रहे हैं, जो लेटर रिपीट कर रहे हैं ऐसे चार बार, तो चार फिट हो रही है, पी दो बार दो फिट हो रही है। अब क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों ये जो चार आई है अगर वो आपस में अरेंज कर लें, आपस में तो रीअरेंज हो ही सकते हैं क्योंकि वो दोनों सेम है, आपस में तो रीअरेंज होंगे ना, फिर भी कितने रहेंगे, तो वो आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, 1 2 3 4, और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अगर रिपीट करना है तो डिवाइड करना ही करना है। आई यू क्लियर हो गए सबको? तो मल्टीप्लाई क्यों किया, एक काम है इन आठ को अरेंज करना, दूसरा काम है इन चारों को अरेंज करना, तो मल्टीप्लाई क्यों किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ने बोला था, ये कैंसिल हो गया, तो वी हैव फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। तो टोटल अरेंजमेंट मिसिसिपी की जिसमें कुछ भी ध्यान में रखा कि आई इकट्ठा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये अरेंजमेंट्स है, इतने वर्ड्स हैं, तो ये कितने वर्ड्स हैं जिसमें आई इकट्ठा है, ये वर्ड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जिसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखा कि आई इकट्ठा आ रहा है या नहीं आ रहा, उसमें से वो वर्ड्स माइनस कर दो जिसमें आई इकट्ठा आ रहा है, तो कौन से बचेगी, जिनमें आई इकट्ठा नहीं आ रहा, तो मेथड समझ आ गया सबको, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वर्ड्स इन विच फोर आईज डू नॉट कम टूगेदर, तो कैसे लिखेंगे, हाँ जी बच्चों इनको माइनस किया जाएगा, तो चलो यहां पे सोल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टोटल अरेंजमेंट कितनी है, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, माइनस कितना है फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, चलो सोल्व कर लेते हैं, 11, 10, 9, कहीं भी रोकना है तो रोक सकते हो, फैक्टोरियल डाल के, बच्चों ऐसा क्यों किया, क्योंकि कॉमन बन जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो फाइंड इट, दोनों में से फैक्टोरियल 8 कॉमन, फैक्टोरियल 4 कॉमन, फैक्टोरियल 2 कॉमन, तो इसके पास कौन बचा, 11, 10, 9, 8 फैक्टोरियल, ये बाहर चल गया ना, कॉमन नहीं है, नीचे 4 फैक्टोरियल बचा, उसको 4 3 2 1 लिख लो, और माइनस ये तो बाहर है, तो कटिंग कुटिंग कर दो भाई, ये देखिए 3 3 9 2 5 10, फाइन, और कुछ कर रहा है नहीं, तो फैक्टोरियल 8 क्या होता है, 8 7 6 5, और 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट दो, 2 फैक्टोरियल को लिखो 2 into 1, तो क्या बचा 11 5 का 55 55 3 का 165, तो साथ में एलसीएम भी ले लो, 4 एलसीएम लिया तो 161 divided by 4, क्लियर सबको, तो ये कटिंग कर दो, 4 2 का 8, कैलकुलेशन मुझे चेक कर लेना ठीक लग रही है, वैसे आप देख लेना 7 6 30 7 210 210 को आपने 161 से मल्टीप्लाई कर लिया है ना, तो कितना आ गया 161 212 and 3 018 33, तो टोटल कितने वर्ड्स बने 33,810 आंसर। तो बस एक क्वेश्चन रह गया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो भी समझा दूंगा, तब तक आप इस सब की प्रैक्टिस करो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।